आपका क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है और तो और ये एक मसले का सवाल भी बन सकता है। बट बेटा इसका आंसर तो ये है, अगर वीक का हर दिन संडे होगा तो बेटा आप स्कूल कब आओगे, है ना बेटा, है ना। सर वो मेरा भी एक सवाल था। आप पूछ। सर वो वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, मैं भूल गया हूँ। अरे अनपढ़ जाहिल गवार, तुझे इतना नहीं पता, कुछ सीख ले लड़कियों से, देख उन्हें सब आता है। नहीं सर हमें तो नहीं पता। कोई बात नहीं बेटा, आप तो स्टूडेंट ही हो ना, मैं ही बता देता हूँ कि वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। दोनों सब बच्चे, वाटर का केमिकल फॉर्मूला होता है H2O, ठीक है ना। हाँ यस सर H2O। ए गवान तू बैठ जा। जी जी सर। बच्चों चलो सब लोग अपनी अपनी बुक्स वगैरह खोल लो, ये हमारा फर्स्ट पीरियड है तो चलो इसे स्टार्ट करते हैं। अरे तुम ये चश्मा लगा के क्लास में क्यों आए हो? अरे सर वो क्या है ना सर, मुझे आई फ्लू हो गया है, देख लीजिए सर। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम्हें आई फ्लू है तो एक काम करो ये चश्मा आप उतारना मत वरना दूसरों को भी आई फ्लू हो जाएगा। अच्छा ठीक है सर। वही तो मैं चाहता हूँ कि सबको आई फ्लू हो और फिर स्कूल बंद हो जाए। सबसे थोड़ा दूर दूर बैठना। 5 minutes later। तो बच्चों अगर आपको कोई भी समस्या आती है हिस्ट्री में तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो पूछिए अगर आपका कोई समस्या या सवाल हो तो। अरे तुम चश्मे वाले, तुम सो क्यों रहे हो हमारी क्लास में? नहीं सर, मैं तो जगा हुआ था सर। देखिए सर अगर आपने मुझसे ज्यादा सवाल जवाब किए ना तो मैं अपना ये चश्मा हटा दूंगा और आपको भी आई फ्लू कर दूंगा। ये देखो। अच्छा ठीक है बैठ जाओ। तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगा, बैठ जाओ अभी बैठ जाओ। आई फ्लू वालों को भी ना। हाँ तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे अगला चैप्टर। चलिए सभी बच्चे अपनी अपनी अंग्रेजी की किताबें खोल लें, आज हम अंग्रेजी पढ़ेंगे। आज के अंग्रेजी चैप्टर का नाम है ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। तो बच्चों आज हम यही पढ़ेंगे। आप पढ़ाइए गुरुजी। अरे आज तुम दोनों बड़े एक्टिव लग रहे हो, ऐसे ही पढ़ा करो। ये हमारी स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंट है। अच्छा ये हमारे इतिहास है। इतिहास। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, इसका मतलब बच्चों होता है यू ठुकराइंग मेरा प्यार एंड माय सीइंग माय इंतकाम। तो इसको आप लोग वो सर नहीं देख रहे, लंच निकाल लंच निकाल। अरे मैंने तुझसे कहा था ना तंदूरी ले रोटी लाना, तू पूरी क्यों खा लेता है और सब्जी भी नहीं लाया, क्या होगा तेरा यार, मम्मी ने इतनी बनाई। चल कोई ना स्कूल में सब्जी बना लेंगे रे। बच्चों आ सकता है ये भूगोल की दुनिया का एक अंतिम परिचरण है। तुम लोग कुछ कर रहे थे क्या? नो सर, हम आपकी आज्ञा के बिना कोई कार्य नहीं करते हैं। हाँ सर हम आपकी आज्ञा के बिना कोई कार्य कैसे कर सकते हैं भला। तो बच्चों मैं कह रहा था ये CBSE बोर्ड में आ सकता है। बैक बेंचर होने का फिर ये क्या मतलब हुआ? बैक बेंचर है तो पूरा भाग तो निभाएंगे ना। जो है तो खाओ यार, आलू की सब्जी बन गई। तो ये CBSE बोर्ड का सवाल हो गया, पकड़ लिया। अरे ये भी तो पढ़ो, ये है जियोग्राफी। अच्छा यहाँ भारत के बारे में कितनी खूबसूरत बातें लिखी हैं। ये हमारा एग्रीकल्चर। बच्चों लगता है मैं तुम पे बिना मतलब ही शक कर रहा हूँ, तुम लोग तो कितने अच्छे से पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हो, मैं ही पता नहीं क्या सोच रहा हूँ कि तुम लोग लंच वगैरह कर रहे हो। कोई बात नहीं गुरुजी, शक करना तो इंसान का सामान्य स्वभाव है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप पढ़ाइए हम मन लगा के पढ़ेंगे। जी। हाँ तो बच्चों मैं कह रहा था कि CBSE बोर्ड
बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। सब लोग ब्लैकबोर्ड पे नजर रखो, ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, इंजेक्शन लो ना। चाप रहे हो यार। आलू खाया जा रहा है भाई। बताओ यार। चाप नहीं आ पा रहा है इन लोगों का। अकेले चलेंगे। अरे भाई, चाप ले आओ, यहाँ आपन आ गई है, चाप ले आओ। इस जन्म में चाप आएगा कि नहीं आएगा मुझे बता दो, इस जन्म में चाप आएगा कि नहीं आएगा? बैक बेंचर हो कि नहीं हो? तुम लोग हमारी गैंग में से चले जाओ, नाम खराब करा रहे हो तुम लोग हमारी गैंग का। हाँ ठीक है, जाओ जाओ, बुला लेना आदमी। हाँ, हाथी खाने से उठवा लोगे, उठवा लेना, जाओ।